सत श्री अकाल जी, चैनल पंजाबी देख रहे सारे दर्शकों का मैं शेरी स्वागत करती हूं। बुलेटिन का आगाज कर लें हेडलाइंस के नाल। ग्रेटर वैंकूवर के आले दुआले घर की विक्री डिगी हेठा, मार्केट के आने वाले लोगों लिए आने वाले समय च मनी जा रही है चंगी खबर। बीसी च हड़ां ते फ्लड लई अलर्ट रेडी सिस्टम बसंत रुत तो पहला तैयार, जून के जंगल की अग लई कीता जा सकता है इस्तेमाल। कनेडियन कर्मचारी नौकरी से जाने की बजाय घर तो काम करना कर रहे हैं पसंद, रॉबर्ट ऑफ द्वारा किए गए सर्वेखन की रिपोर्ट एक नज़र। जिसे खबर विस्तार देना और दस दिए कि बीसी के जंगलों की अग्न लैके तो हड़ां लैके रिपोर्ट जारी की गई, जिस लैके बसंत रुत तक यह मनिया जा रहा है कि जी हड़ आन की संभावना जताई जा रही है या फिर आने उसके लिए एक रेडी अलर्ट जोड़ा सिस्टम है वह तैयार किया गया है, जिस लोगों को अलर्ट तो जारी हो जाएगा, इसलिए पहला ही तैयारी की जा रही है कि किमें इस तो जोड़ा पहल ही बचा किया जा सके। जबकि इस सर्वेखन जरूर गल कही गई है कि इस हीट वेव के लिए अजे कोई अजिहा अलर्ट जारी नहीं किया गया, उस संबंधी अजे कोई रिपोर्ट नहीं है। आओ जानते हैं विस्तार के नाल कि आखिरकार इस तब्दीलियां लिया जा रही हैं तो लोगों को इसका किस तरीके नाल फायदा या फिर नुकसान होएगा। बीसी अधिकारियों का कहना है कि वह एक होर विनाशकारी बसंत ते गर्मियों की तैयारी कर रहे हैं तो पिछले सालों के मुकाबले ज़्यादा तैयार रहने का वादा कर रहे हैं। कई नवीं पहलकदमियों तो इलावा सूबा यह मापदंड भी वधा रहा है कि अग ते हड़ां नूं शामिल करन लई जनतक चेतावनी कदों जारी की जा सकती है। जनतक सुरक्षा मंत्री माइक फर्नवर का कहना है कि सिस्टम हड़ां दे लई तैनाती लई ते जून दे शुरू विच जंगल की अग दे खतरियां लई दोबारा विस्तार करेगा। यह फैसला करना स्थानक अथॉरिटियां ते फर्स्ट नेशन कम्युनिटी के हाथों के विच होवेगा कि वह खेतर के निवासियों नूं किसी भी खतरे बारे सूचित करन लई अलर्ट जारी करना चाहते हैं या नहीं। फर्नवर ने कहा है कि यह फैसला करना कम्युनिटियां के हाथों के विच होवेगा कि वह खेतर के निवासियों नूं किसी भी खतरे बारे पहला अलर्ट करना चाहते हैं। उन्होंने कि मैनू पूरी उम्मीद है कि इस दे विच वध दर्द होवेगा ते लोकां नू इह महसूस करन दी लोड़ भी होवेगी। उन्हां मुद्दियां विचों एक जिस लई सानू तैयार होना चाहीदा है ते समझना चाहीदा है वह है ओवर अलर्ट करना। तुसीं जाणदे हो कि जे तुहानू बहुत सारियां चेतावनियां मिलदियां ने तां लोक उन्हां नू नज़रअंदाज़ करना शुरू कर दिंदे ने। उन्हां कहा कि बसंत ते गर्मी दे महीनियां तों पहलां होर स्रोत जिवें कि रिवर फोरकास्ट सेंटर ते वाइल्ड फायर बीसी बनावांगे। हालांकि बहुत सारे लोगों ने सवाल किया है कि गर्मी दीआं लहरां या होर खतरियां नू शामिल करन लई चेतावनी प्रणाली का विस्तार क्यों नहीं किया जा रहा। बीसी कॉर्नरस सर्विस का अंदाजा है कि गर्मी दीआं लहरां दे विच 600 तो वध लोगों की मौत हो गई, जिन्हां विचों बहुत सारे बजुर्ग सन। फर्नवर्थ ने एमरजेंसी तैयारी हफ्ते दौरान यह ऐलान किया है कि हर किसी नूं एमरजेंसी की स्थिति विच एक परिवारक योजना बनाउण की अपील की है। वायरलैस अलर्टिंग सिस्टम का टैसट बुधवार दोपहर 1:55 से किया जाएगा। PST राष्ट्रीय अलर्ट रेडी सिस्टम के अर्ध सलाना टैसट का हिस्सा है। मोबाइल फोन से सुनेहा भेजा जाएगा, नाल ही रेडियो ते टीवी स्टेशन ते प्रसारित किया जाएगा। हालांकि कई ने बीसी के इतिहास से सवाल चुके ने जो कि 2018 तो उपलब्ध है, पर पिछले साल रिकॉर्ड तोड़ गर्मी मीह ते इतों तक कि एक तूफान के बावजूद बहुत घट वार वरत्या गया है। नवंबर के हड़ां दौरान जिसने समुचे भाईचारियां नूं बाहर कढ़न लई मजबूर कर दिता, दखनी बीसी के ज़्यादातर हाईवे बंद कर दिते। सूबे ने कहा सी कि सिस्टम नूं एबसवर्ड के निवासियों नूं हड़ां के पानी के घेरे बारे सूचित करन लई वरत्या जा सकता है, पर स्थानक अधिकारियों ने अजिहा नहीं करना चुनिया। फर्नवर का कहना है कि 2022 लई विस्तृत सूबा व्यापी प्रणाली सूबे नूं अलर्ट जारी करन दा अधिकार भी दिंदा है जो कि स्थानक अथॉरिटी नहीं करती है। सिस्टम की वरतों लीटर के निवासियों नूं जून दे विच एक इतिहासक हीट वेव दौरान जंगल की अग बारे सूचित करन लई भी नहीं की गई सी। वसनीकां दा कहना है कि उन्होंने दरवाजे खटकाउण वाले अधिकारियों द्वारा एक पल दे नोटिस ते चले जाण लई कहा सी। उस अग विच जो लोग मारे गए सन ते लगभग सारे घर ते इमारतां नष्ट हो गई सन। फर्नवर्थ ने कहा है कि एक नवी प्रणाली है, एक साधन है, नोटिफिकेशन दे रिवायती तरीकों की थान नहीं लै रहा, वह अजे भी जारी रहेंगे। न्यूज़ डेस्क तो चैनल पंजाबी रिपोर्ट। अगे दस दिए कि ग्रेटर वैनकूवर के आले दुआले इलाकों के घर की विक्री लैके कुछ कमी दर्ज की जा रही है, जिस लैके मनिया जा रहा है कि जिहड़े नवे इस मार्केट के आने की संभावना जता रहे थे आने वाले समय के उन्हां लई किते ना किते यह चंगी खबर हो सकती है। दस दिए कि पिछले साल यानी 2021 दे विच इसे महीने जदों ये रिपोर्ट की गई सी घर की विक्री लैके तो उस तो लैके तो 2022 दे विच इसे महीने की रिपोर्ट के उत्ते नज़र मारी जाए तो 35% उस दे विच कमी जिहड़ी वह दर्ज की गई है। इस नाल यह भी कहा जा रहा है कि पहली बार होया कि मार्च महीने दे विच कैनेडियन जिस तरीके नाल गल की है बैंकों की तो उन्होंने पहली बारी मार्च दीआं व्याज दरां दे विच इस तरीके नाल वाधा किया है।
पिछले साल के मुकाबले इसे महीने एक चट्टान तो हेठा डिग गई है। रियल एस्टेट बोर्ड ऑफ ग्रेटर वैनकूवर के अनुसार अप्रैल 2022 दे विच इसे महीने के मुकाबले अप्रैल 2021 दे विच वेचे गए घरां दी गिनती विच लगभग 35% की गिरावट आई है। हालांकि विक्री अजे भी 10 साल की औसत तो 1.5% तो उपर सी। REBG वी दा कहना है कि हौली हौली उन्हां लोकां लई चंगी खबर है जो मार्केट विच आना चाहुंदे ने, क्योंकि ये उन्हां नूं क्रम दे विच वित्त प्राप्त करन ते निरीक्षण कराउण वर्गियां उन्हां दियां उचित मेहनत करन वर्गियां चीज़ां करन लई वधेरे समां दिंदा है। REBGV दे चेयर डेनियल जॉन ने कहा है कि इस बसंत विच हुण तक असीं पिछले साल दे रिकॉर्ड तोड़ रफ्तार तो घरां दी विक्री दे विच कमी देखी है। एक छोटे जिहे उदाहरण दे तौर ते घरां दी विक्री दी इक वधेरे रवायत रफ्तार दे विच वापस जिसका असं पिछले 2 महीनों अनुभव किया है। आसवंद घर खरीदारा फैसले लैन लिए वधेरे समा प्रदान करता है। खेत्र के आले दुआले MLS के सूचीबद्ध घर की कुल गिनती सिर्फ 8800 तो घट है, जो अप्रैल 2021 तो लगभग 14% की कमी दर्शाती है जो 10,000 तो वध सूचियां ने। इस दौरान यह इस साल के मार्च तो लगभग 15% के वाधे भी दर्शाता है। बैंक ऑफ कैनेडा वालों COVID-19 महामारी के कारण 2 साल पहली बार अपनी मुख्य ब्याज दर भी वाधा करने तो सिर्फ 1 महीने बाद यह मंदी आई है। अप्रैल में वाधे तो बाद इस समय 1% है। यह अस्पष्ट है कि उस तब्दीली कारण विक्री दे विच किन्नी गिरावट आई। हालांकि माहरां ने कहा है कि यह कदम देश भर दे विच रियल एस्टेट बाजारां नूं प्रभावित करेगा। बोर्ड बर्नबी, ककिटलम, मैपल रिज, न्यू वेस्टमिंस्टर, उत्तरी वैनकूवर, पिटमेडोज, पोर्ट ककिटलम, रिचमंड साउथ, डेल्टा, स्क्वैमिश, सनशाइन कोस्ट, वैनकूवर, वेस्ट वैनकूवर ते विस्लर कवर करता है। MLSR होम प्राइज इंडैक्स के अनुसार खेत्र दे विच सारियां रिहायशी जायदादां दे लई संयुक्त बेंचमार्क कीमत 1,374,500 है। न्यूज डेस्क तो चैनल पंजाबी रिपोर्ट। जिते अगे देखते हैं एडमिंटन तो साढ़े सीनियर पत्रकार कुलमीत सिंह संघा की खास अपडेट। चैनल पंजाबी वेख रहे समूह दर्शकों नूं कुलमीत सिंह वालों निघी जी आया। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। एक खबर लैके दोस्तों एडमिंटन शहर तो तुहाडे लई हाज़र हो रहा। शारदा देवी नायडू एक 78 साल की औरत जो यूनिवर्सिटी ऑफ अलबर्टा के हॉस्पिटल के पोर्टर का काम करती है, यानी कि जेडे पेशेंट नू रेहड़ी ते पा के एक तो दूजे पासे लैके जांदे आ। उन्हें बेचारी ने अपनी शिफ्ट फिनिश कीती सीगी ते फिनिश करके हस्पताल दे बाहर ही LRT दा स्टेशन आ, उत्थे वो जिहड़ा शेल्टर आ उहदे च उह बैठी उड़ीक कर रही सीगी रेल गड्डी दी, जद नू एक नौजवान ते एक होर बंदा उत्थे आ के बह गया। वो जिहड़ा नौजवान सी उस औरत नू उन्हें बुरा भला किया, इत्थों तक कि एवें गालां कढ़णियां शुरू कर दित्तियां। तो उन्हें उन्होंने कहा भी भाई गल सुन, भी तू मैनू एवें खाम खा बौदर ना कर। वो उठ के वो शैल्टर तो बाहर जा के खड़ गई, मतलब प्लेटफॉर्म के उत्ते। तो होया कि जी, वो जो प्लेटफॉर्म के उत्ते खड़ी है तो उस व्यक्ति ने पिछों आ के उन्हों धक्का दे दिता। धक्का देन नाल की होया कि वह प्लेटफॉर्म तो थले डिग पई, और वो कहण मुताबक भी मैनू इदा लगा भी मेरे भी अज जान गई, क्योंकि जदों थले डिगी है तो वो लत टुट गई। तो उधरों जिहड़ी सी रेल गड्डी वो आ रही सी, LRT जिहड़ी सी, लक्की इस गलों रही जी भी जिहड़ी रेल गड्डी आ वो दूरों ही देख के उन्हें स्टॉप कर ली, यानी कि उत्थे तक गल नहीं बनी। पर वो कहन लगी भी मैनू तो इदा लगा भी अज मेरी जिंदगी जिहड़ी आ खत्म हो गई। वो जदों प्लेटफॉर्म से खड़ी सी उदों भी उन्हें टैलीफोन बाहर कढ़िया सी तां कि वो पुलिस नूं फोन कर सके, पर वो गल होई ना उहदी। बाद दे विच जदों उत्थे रेल गड्डी पहुँची है तो उन्होंने जी कॉल किया तो उत्थे एमरजेंसी वाले आए, लै के गए उन्होंने हॉस्पिटल जिहड़ा अक्रॉस दी स्ट्रीट ही हैगा उत्थे। और उहदे कहण मुताबक वो कहिंदी मैं बहुत देर तक उत्थे उड़ीक कीती आ, इदा लगा मैनू भी बहुत देर लगी उन्होंने उत्थे पहुँचण दी। पर उस तों बाद उहदा इलाज होया जी, ते हुण डॉक्टर जिहड़े आ उह कह रहे आ भी ये पक्का नहीं पता भी वो मुड़ के वाक कर सकेगी कि नहीं कर सकेगी। उहदे लई लोकां ने GoFundMe करके $10,000 का टीचा सी भी उहदे घर दे विच थोड़ियां रेनोवेशन कर दित्तियां जाण तां कि उहदे लई सौखा हो जाए, पर वो 10,000 का टीचा टप चुके ने। पर इहदे विच जिहड़ी ना एक होर बहुत वड्डी प्रॉब्लम आ रही है वो ये आ कि सिटी ऑफ एडमिंटन का पूरा जोर लगा है कि लोग
पेंडेमिक तो बाद हुण जिहड़ा ट्रांजिट सिस्टम है वह दोबारा यूज़ करना शुरू करन, क्योंकि खाली गड्डियां खाली बसां तुरियां फिरदियां ने वह कहिंदे ठीक नहीं। तो हुण ये शारदा देवी नायडू का यह कहना, वह कहिंदी मैं तो नहीं मुड़ के कदे भी ये जिहड़ी रेल गड्डी यूज़ करदी। वह कहिंदी भी पहला भी कई बार सवेर नूं तुसीं रेल गड्डी ते आउंदे हो तो लोग उत्थे पुट्ठा सीधा बोलदे आ तुहानूं, मतलब वह कहिंदी सेफ नहीं मैं महसूस करदी। सो लगता कि सिटी लई एक होर चैलेंज हुण इह बन गया कि लोगों की सेफ्टी दे लई उहनां नूं इह जिहड़ी मतलब रेल गड्डी आ उहदा सफ़र जिहड़ा एडमंटन शहर विच उह सुरक्षित बनाउणा पएगा, चाहे उत्थे सिक्योरिटी वाले होण जां जी पुलिस होवे। और नायडू के कहने के मुताबिक वो कहिंदी भी उत्थे कदे भी कोई सिक्योरिटी वाले नहीं देखे गए, जिहदा करके वह तो हुण गांह नूं कह रही मतलब भी वह कदे नहीं यूज़ करेगी, जिहड़ी कि एक मंदभागी गल हैगी है। चैनल पंजाबी लई कलमीश सिंह संघा एडमंटन। बीते दिन जिस तरीके नाल कैनेडा दे विच ईद दे जश्न मनाए गए और शाम नूं जदों ईद मौके दे उत्ते बहुत सारे मुस्लिम परिवार इकट्ठे होए तां इक दूजे नूं वधाई दिंदे नजर आए, बहुत ही खुशियां दे नाल सारयां ने ईद सैलीब्रेट की थी। चैनल पंजाबी दी टीम पहुंची, आओ देखदे हां एक छोटी जी रिपोर्ट जिस दे विच कैनेडियन ईद दिखाई दे रही है ते जिहड़ा पकवान है जायका जिहड़ा पकवान दा उह पूरा लाहौरी सी, देखदे हां एक रिपोर्ट। सो ये शीरपुर में दी स्पेशल डिश होंगी है जिहड़ी कि मिठी ईद दे उत्ते हमेशा बनाई जाती है पर बहुत ब्यूटीफुल है। यहाँ पे बिरयानी बहुत अच्छी, जो ये चिकन बिरयानी है जी जी, चिकन ये आपने बनाई है जी जी, तो ये है चिकन बिरयानी यहाँ पे बड़ी अच्छी बनी हुई है। आप ईद के मौके पे क्या कहना चाहेंगे, सब आपको देख रहे हैं वहाँ पे? पाकिस्तान में बड़े सारे आपके जो रिश्तेदार हैं उनको क्या मैसेज देना, क्या बोलना उनको ईद पे? सो मच, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सो सत श्री अकाल जी, जिवें कि अज ईद का माहौल है और असं इतने सारे पहुंचे हुए हैं और ईद के उत्ते बहुत सारा इतने वधिया ते शानदार माहौल बनया होया है, क्योंकि शाम हो चुकी है ते शाम नू सब तो वड्डी चीज़ जिहदा इंतजार किया जा रहा है कि ईद के मौके के उत्ते शाम नू सारे इकट्ठे होंदे ने बहुत तरह तरह के और स्वादिष्ट जिहड़े लजीज़ जिहड़े पकवान बनाए जाते हैं जिहदे विच शीर खुरमे का असीं जिक्र भी किया सीगा पहला। सो बड़े सारे इतने लजीज चीज़ा बनिया हुई ने। सो आओ गलबात करते हैं तो जानते हैं कि शाम को इंटरव्यू हूँ कर रहे हैं ईद के दिन तो किमें किमें इतने सैलीब्रेशन कैनेडा वाले जोड़े ने वो कर रहे हैं। सो इतने मैं सब तो पहला तो इतने गल करा, इतने देख सकते हैं कि इतने बड़ी वधिया मैनू बिरयानी नज़र आ रही है। सो सब तो पहला तो ईद मुबारक आपको और बहुत ही सुंदर लग रहे हैं बिल्कुल। सो आप बताइए, अभी शाम है तो शाम को जैसे अभी ये ईद के खाने का हो गया, सुबह से इतनी प्रिपरेशन की है, एक तो मेरे को सारी डिशेस के बारे में बताइए कैसे कैसे प्रिपरेशन की, जितने भी गेस्ट आए वो भी सब लेके आए साथ में कुछ ना कुछ? हमने असल में वन डिश का किया था अरेंज और काफ़ी हम लोगों ने फैमिलीज अपनी इकट्ठी की हैं कि ज़ाहिर अब ईद में यही हो सकता है कि सब अपने फैमिलीज़ को हम लोग बुला लेते हैं और सब जो है एक एक डिश बना के लेकर आए, तो उसमें सबके हिस्से में अलग अलग डिशेज़ आती हैं, किसी के पास बिरयानी आ जाती है, अब हमारे पास मेरे पास आई थी बिरयानी। अच्छा, तो इधर हो जाओ, थोड़ा सा कैमरा फोकस कीजिए, यहाँ पे बिरयानी बहुत अच्छी, जो ये चिकन बिरयानी है जी जी, चिकन ये बिरयानी बनाई है जी जी, तो ये है चिकन बिरयानी यहाँ पे बड़ी अच्छी बनी हुई है और चिकन बिरयानी के अलावा और प्लीज डिशेज के चिकन बिरयानी है, ये रायता है और ये बघारे बैंगन है, ये खास जो है बिरयानी के साथ की डिश होती है, और ये अंडे और कोफ्ते का सालन है, निहारी है, कीमा है, चिकन कढ़ाई है, छोले हैं, दही बड़े हैं, तो शीर खुरमा, जो शीर खुरमा है ना मुझे वो नहीं दिख रहा, शीर खुरमा उस तरफ है। चलिए ठीक है, तो शीर खुरमे की तरफ हम जाएंगे, बहुत ही अच्छा लगा आपसे बात करके, आगे और भी बातें करेंगे और शीर खुरमा आप जरूर दिखाएं, जरूर जरूर, ठीक है ना। और भी इतने बहुत सारे लोग है, असी ईद के मौके से उन्होंने भी गल करा, उम्मीद करते हैं कि सारे साथ थोड़ी थोड़ी गल जी है वो कर सकन। आप ईद के मौके पे कुछ कहना चाहेंगे? ईद मुबारक टू एवरीवन, दैट्स इट। सो ईद के बारे में कोई कहना चाहेंगे आप? ईद मुबारक टू एवरीवन, ईद मुबारक हो, सेम मैसेज, ईद मुबारक टू एवरीवन। सो इतने यंग जनरेशन और सारे जने पहुंचे हुए हैं और सारे इस टाइम खाने की क्योंकि लाइन च लगे हुए हैं, सो आप वारी वारी जी है कोशिश करा सारे ना गल हो सके। सो आप थोड़ा भी गल करते हैं, कितना लग रहा, कैसा लग रहा है आपको आप ईद के मौके पे? वी आर एंजॉयिंग टुगेदर, इट्स अ फैबुलस इवेंट फॉर अस एंड वी आर रियली हैप्पी, बहुत चंगा लग रहा है जी। हाँ, थैंक यू।
सो और भी बड़े सारे लोग हैं यहाँ पे, बड़ा अच्छा सा माहौल यहाँ पे भी बन चुका है ना, क्योंकि मैं जाहिर जी गल है अद्धा मैंने हिंदी च भी गल करनी पै रही है, बहुत सारे इतने मुस्लिम भाईचारे के लोग साढ़े जुड़े ने। सुहेल भाई, आज ये सारा जो ऑर्गेनाइज किया गया है, ये ईद का आप सेलिब्रेशन कर रहे हैं राइट, तो बड़े दिनों से इंतजार किया जा रहा था, और सबसे बढ़िया चीज़ थी कि कोविड के बाद अब ये सबसे बड़ी जो ईद है वो सेलिब्रेट हो रही है, कैसा आप सबको लग रहा है इकट्ठा भी होने का मौका मिल गया सबको? खाली कोविड के बाद बल्कि 3 साल हो गए और हमारी हर साल 2 ईदें होती हैं, तो तकरीबन 3 साल बाद अब ये ईद का सेलिब्रेशन हुआ, इसमें सब जमजमाएँ, वरना तो ईद तो बिल्कुल कुछ महसूस ही नहीं हो रही थी कि ईद हुई है, और माशाल्लाह सब लोग इस वक्त जमाएँ और हर एक ने अपने अपने घर से बेस्ट डिशेस लेकर आए हैं, जो कि बड़ी खुशी की एक बात है, और हम सब मिलके एक दूसरे के जो फूड्स हैं वो हम सब ट्राई करेंगे, और सारी फैमिलीज जमाएँ एक दूसरे को मुलाकात हो रही है, और थैंक्स टू चैनल पर पंजाबी कि आपने यहाँ पर आकर शरीक और ये इवेंट को मतलब किया है, और आई एम थैंकफुल टू ट्रीट यू, थैंक यू सो मच। और सर क्या कहना चाहेंगे ईद के मौके पर? ईद मुबारक सबको, बड़ी खुशी हुई इतने लोग जमा हुए हैं यहाँ पर, ऑल 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 बिकॉज ऑफ फेम आई थिंक, व्हाट चैनल इज इट, पंजाबी चैनल, यू आर द होस्ट ऑफ इट, आई थिंक नाइस टू मीट यू टू, थैंक यू सर, थैंक यू। बड़ा इंतजार किया जा रहा था, और बड़े लोगों को ये लग रहा था पता नहीं कोविड की वजह से इस बार भी ईद मनाने का मौका मिलेगा या नहीं, इस बार की ईद पहले की ईद से कैसे डिफरेंट आपको लग रही है? वेरी डिफरेंट द पीपल ओवर हियर आई थिंक विल एंजॉय द फूड एंड विल प्रोबब्ली विल थैंक सुहेल फॉर organizing all this and in spite of all the busy he is in his job and the schooling no I think it's really good it's this long time I have seen so many people gather together like that and it should continue I think सो मच, ईद मुबारक आपको। सो होर भी इतने बड़े सारे लोग ने, छोटिया छोटिया थोड़िया थोड़िया गल्लां सारे असी करांगे ईद के मौके पर। इतने हमेशा कहते हैं ना कि फीमेल जड़िया होंदिया वो हर पार्टी की जान होंदिया ने, सो अज ईद के मौके के उत्ते ये सारिया खातून इतने इकट्ठिया हुई ने, सो बहुत ही सोहने सारे लग रहे हैं, और कोशिश करांगे आप सारे नाल थोड़ी थोड़ी गल कर सके। मैंने पता है उस टाइम तुम सारे आप लोग मसरूफ हो, मैं कट नहीं लगा सकती, और पहले आप बताइए प्लीज़ इस मौके पर, एंड हम करेंगे शीर खुरमा से, आप बताइए ईद मौके पे क्या कहना चाहेंगे? मैं यही कहना चाहूँगी कि हर साल इसी तरह की रौनक होनी चाहिए, और हम लोग तो खैर करते ही रहते हैं माशाल्लाह, और इसी तरह से रौनक ही चलती रही थी जी। अच्छा बड़ी ना तैयारी होती है ना ईद से पहले की, जैसे सूट वूट सेलेक्ट किया जाता है स्पेशली फीमेल की तरफ से, तो ये चीज़ होती है, तो कैसी तैयारी की जा रही थी आपकी तरफ से पहले? मैंने तो काफ़ी मेरे तो पाकिस्तान से आ जाते हैं जोड़े, मगर ये मेहंदी शेंदी ये सब लगवाना ये सब तो कर लेते हैं, और चूड़ियाँ ले ली मेहंदी ले ली तो ये तो ज़रूर मस्ट है, और बाकी कपड़े तो खैर मी भेज देती है, मेरे तो ये फ़ायदे हैं क्योंकि मैं की हूँ घर की, तो इसलिए तो ये तो मेरे मज़े लगे जी, बाकी सब ने बनाए बिल्कुल बिल्कुल, आप भी बहुत ही प्यारी लग रही हैं, आप बताइए ईद के पहले तो तैयारी कितनी करनी पड़ी, और कुकिंग में भी क्या किया वो भी बताइए। हाँ कुकिंग मैंने हरी बनाई है, दही बल्ले बनाए हैं, थोड़ा सा शीर खुरमा लाई हूँ, और बस इतना कर लाई हूँ, और तैयारी में इतना टाइम नहीं लगाती, मैं जल्दी से हो जाती हूँ तैयार, पहले सुबह कहीं और गए थे अब इधर और आए हैं, तो बस ऐसे अच्छा टाइम गुजारा सुबह से। हाँ जी आप क्या कहना चाहेंगे? मैं भी बस बोलूँगी तैयारी में देर नहीं लगाती, और माशाल्लाह वो अच्छी गुजरी माशाल्लाह से, कोविड के बाद फर्स्ट हमारा गेट टुगेदर हो रहा है, नाइस वेरी नाइस, तो होना चाहिए इसे बिल्कुल। शगुन आप भी यहाँ पे हैं है ना, मतलब सब तो वधिया कहते वो चीज़ होंगी है कि जो दूसरे कम्यूनिटी इकट्ठे मिल के सारे एक दूजे के सैलीब्रेट करते हैं, सो एक शगुन का मैं दसदा, शगुन टीचर भी ने, शगुन तुम बहुत जगह पर देखा होना, तो अच्छ जो ईद के मौके के उ शगुन होनी समा कट गया है, शगुन पहला था किवें दा लग रहा है ना ईद के मौके उत्ते आना इन्नी सारी गैट टूगैदर करनी, एक टीचर दे वल्लों की मैसेज होना चाहिए इस मौके? मैनू लगता है कि मैनू बहुत कुछ सीखने को मिलता है, बीइंग अ टीचर मैं सारे रिलीजन्स रिस्पैक्ट करती हाँ, और मेरे सारे तरह के फ्रेंड्स हैं, सारे रिलीजन्स के फ्रेंड्स है, और मैनू इन्हां नाल मिलना और हमेशा एक फैमिली की फीलिंग आती है, और मेरे लिए
सुहेल सर जेड़े होस्ट ने और मेहर जी उन्होंने ऑलरेडी सानू हमेशा फैमिली तरह फील कराया। सो मैनू ये लगता है कि एक मैसेज सोसाइटी नू ए है कि असी ना सिर्फ अपने रिलीजन दे सारे फेस्टिवल्स सेलिब्रेट करिए, दूसरों के फेस्टिवल्स विच भी हिस्सा लीए, बिकॉज अल्टीमेटली वी आर ऑल ह्यूमन बींग्स, राइट? सो दैट्स द रिलीजन, द बेसिक रिलीजन। सो मैनू लगता है कि इतने मेरा आना सार्थक होया, बिकॉज मैं और हूँ मेरी एक छोटी बच्ची है, शी इज़ जस्ट 5 months, तो अगे उन्होंने भी यही मैसेज है कि सिर्फ अपना नहीं, सारे का रिलीजन इंजॉय करो, रिस्पेक्ट करो, एंड जस्ट बी अ ह्यूमन फर्स्ट ऑलवेज। थैंक यू सो मच शगुन। सो छोटे छोटे बच्चे हैं, देखते हैं साढ़े नाल वैसे कौन गल करेगा, कोशिश करांगे। आप ईद के मौके पर क्या कहना चाहेंगे, सब आपको देख रहे हैं वहाँ पे? डांस, हाँ, एंड ईद मुबारक। ईद मुबारक, हाँ। और पाकिस्तान में बड़े सारे आपके जो रिश्तेदार हैं उनको क्या मैसेज देना, क्या बोलना उनको ईद पे? ईद मुबारक। वेरी गुड, ईद मुबारक। तो छोटे छोटे बच्चे जड़े ने वो भी ईद दी मुबारक दे रहे ने। इतने कैनेडियन होर जड़े ने लोग साढ़े जुड़े हुए ने, ईद किदा सेलिब्रेट कर रहे जी, थोड़े गल करना चाहवागे, बहुत ब्यूटीफुल लग रहा है। सो अज ईद का मौका है ना, और पूरा साल इंतजार किया जाता है, राइट? पंजाबी समझ रहे हो ना? ओके, सो पूरा साल इंतजार करते हैं हम लोग ईद का, कि ईद आए, सेलिब्रेट करें। कैसे कैसे आज सारा दिन तैयारी रही, क्या क्या किया सारा दिन? आज बस सोया और खाया, दैट्स इट, या दैट्स ऑल। कुकिंग में हाथ नहीं बटाया घर पे सबका? ओह, लाइक वंस अ वीक, दैट्स इट, आई ट्राई टू हेल्प, लाइक इन कभी कभी कभी। ईद वाले दिन कुछ स्पेशल नहीं किया? नो, बस this is what we're doing. So सबको young generation को क्या message देना चाहेंगी, being a young girl, के ईद के मौके पे कैसा माहौल होना चाहिए, कैसे celebrate करना चाहिए, कोई message? Just celebrate with family, just love everyone, happy friends, everyone. That's all. That's all I can say. Thank you. अच्छा लगा सबसे बात करके। So आप अच्छा दही बल्ले खा रहे हैं ना, ये दही बल्ले बनाए किसने और कैसे लग रहे हैं? आपने बनाए? अच्छा, आप खुद ही हम लोगों से पूछे कैसे लग रहे हैं? हाँ बिल्कुल, आपसे ये सवाल नहीं किया जा सकता है ना। चलिए ठीक है। मेहर जी, क्योंकि ये सारा प्रोग्राम आप लोगों ने ऑर्गेनाइज किया है, मैं जितना पहला कह रही थी कि शीर खोरमा जड़ी होंगी है वो बड़ी स्पेशल डिश होंगी है, मेहर जी मैं चाहवागी कि तुम इस आखिरी मौके के उत्ते, क्योंकि आप वाइंड अप करन लगे हैं, सो ये शीर खोरमा जड़ी है दर्शकों को एक झलक दिखा दो। सो ये शीर खुरमे की स्पेशल डिश होंगी है जिहड़ी कि मिठी ईद के उत्ते हमेशा बनाई जाती है, बहुत ब्यूटीफुल लगती है। सो प्लीज़ कैमरे से फोकस करके जिहड़ी है ये तस्वीर दिखाओ जी। मेहर जी, साथ साथ बताएं इसको कैसे बनाया और इसका जो कलर है इतना ब्यूटीफुल है, स्पेशलिटी क्या होती है आज के दिन की शीर खुरमे की? इस शीर खुरमे का बस एक मीठी ईद के नाम से मशहूर है, तो उसके हिसाब से जो है ये एक मीठी उसमें ये सेवियाँ आ जाती हैं। हम काफ़ी ज़्यादातर लोग जो है शीर खुरमा ज़्यादा शौक़ से खाते हैं, तो शीर खुरमे सच तो कोई इसमें तैयारी में कोई ऐसा मसला नहीं, ड्राई फ्रूट्स होते हैं उनको असली घी में फ्राई करते हैं हम लोग, और फिर इसके बाद सेवियाँ थोड़ी होती हैं उनको जो है फ्राई करके मिल्क में डाल देते हैं, और जो है ऊपर से जो है ज़ाफ़रान का बघार लगा देते हैं। तो सिंपल सी रेसिपी है लेकिन है बहुत मज़े की होती है, मज़े की और स्पेशलिटी है। सही बात है, सही। थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच, सबको बहुत बहुत ईद मुबारक। सो नूरैन भी यहाँ पे जुड़े हुए हैं। नूरैन, ईद का आज पूरा जश्न मनाया जा रहा है, माशाल्लाह से बहुत सारी चीज़ें खाने के पकवान हमने बड़े अच्छे अच्छे देखे, क्या कहना चाहेंगे आज के दिन के लिए? खाना बहुत अच्छा था और सब काफ़ी खुश हैं, तो मज़ा आया जी। तो ईद क्या मतलब, ईद जब भी होती है तो सेलिब्रेशन का बहुत बढ़िया मौका होता है, कोविड की वजह से खैर ईद नहीं मना पा रहे थे, तो इस बार मौका मिला तो कहते हैं फीमेल को अलग से बड़ा शौक होता है, लाइक तैयारी कितने दिन पहले से शुरू हो जाती है। तो यहाँ से मैंने बहुत सारी फीमेल मैंने बात तो कर ली, लेकिन जो गर्ल्स होती हैं वो स्पेशली कैसे तैयारी करती हैं ईद की? बस अपने हेयर, मेकअप, नेल्स सब सही रखते हैं, दैट्स जस्ट हाउ। ओके, या किचन में काम कितना किया? किचन में बिल्कुल काम नहीं किया, मतलब घर वालों के साथ कोई हाथ नहीं बटाया, मम्मा के साथ मतलब थोड़ा बहुत, बट बेसिकली मम्मा।
ठीक है। सो ईद की सबसे बढ़िया डिश आज की कौन सी लगी आपको? बिरयानी सबसे अच्छी थी, बिरयानी बहुत अच्छी थी। किसी और को नहीं बताया लेकिन मेरी फेवरेट थी बिरयानी। सो क्या मैसेज सबके लिए देना चाहेंगे बीइंग अ यंग गर्ल? जस्ट लिव लाइफ, हैव फन, ईट वेल। थैंक यू। ईद के मौके के उत्ते ना बड़ा वधिया लगता है। अज जो असी इस फैमिली दे विच आए सीगे, जो ईवेंट के उत्ते इन्होंने इनवाइट किया तो बड़ा वधिया मौका सीगा कि इन्हां नाल कुछ गल्लां बातां सांझियां कीतियां जान, लजीज पकवान जिहड़े इन्हां दे वल्लों बनाए जाते हैं और मिलके बनाए जाते हैं और मिलके ही सारे खाते ने। इस तो सोहनी तस्वीर मैनू लगता कोई नहीं होर हो सकती जिथे मिलके सारे, सिर्फ एक कम्यूनिटी नहीं है, इतने हर रिलीजन के इतने बंदे ने जिहड़े कि मिलकर ईद को सैलीबेट कर रहे हैं। सो यही प्यार का सुनेहा तुहाडे सारयां लई भी है, इस प्यार को बरकरार रखो, ईद सारयां नू मुबारक होवे। खबरां ते जानकारियां दा सिलसिला फिलहाल इत्थे मुकदा, नवीं ते ताज़ा खबरां लैके फिर तो हाजिर होवांगे। इजाजत चाहुंदे आ, धन्नवाद। साडा हर एक प्रोग्राम देखण ते साडे नाल जुड़न लई सबसक्राइब करो चैनल पंजाबी, ते नोटिफिकेशन लई बैल आइकन वाले बटन ते क्लिक करो।